आज बरसात से किसानों को कितना नुकसान हुआ है देखो। कल रात तेज हवाओं और बारिश ओलावृष्टि के साथ जो बारिश हुई है उसमें देखो किसानों के गेहूं बिल्कुल लोटपोट हो गए। ये देखो आपको दिखाते हैं कल की भारी बरसात। ये देखो गेहूं बिल्कुल आड़े पड़ गए और बरसात की वजह से बेचारे किसानों ने जल्दी जल्दी गेहूं काटने की भी कोशिश करी। ये देखो ये इन्होंने थोड़े बहुत गेहूं तो काट लिए थे, ये देखो कटे हुए गेहूं ये पड़े, लेकिन साथ में ही रात को बरसात आने की वजह से इनके सारे गेहूँ आड़े पड़ गए और गीले भी हो गए। अब ये गेहूँ काट भी नहीं सकते, बेचारे किसानों का हाल बहुत खराब है। ये देखो सारे गेहूं आड़े पड़े हुए हैं। ये ऊपर वाले की मर्जी है, खराब तो बहुत कर दिया नुकसान, अब का ही करें। अब सरकार तो का ही करेगी, सरकार तो कछु कर रही को नहीं है। बेरोजगार तो बेरोजगारी में ही चल रहे हैं, फड़फ काख रहे हैं भाई। सरकार तो कुछ भी अब देखभाल नहीं कर सके। किसान कुछ सरकार से कुछ आशा करे तो क्या करे। ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का ही है जो किसानों की, ना सरकार की किसी की नहीं चल सकती। ये प्रकृति ऐसी है जो कभी भी बारिश या फिर ओलावृष्टि कुछ भी हो जाए, और भगवान के आगे तो किसी की चलती भी नहीं है। लेकिन प्रकृति से तो हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी सरकार तो किसानों को कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा तो कर सकती है ना। ये तो सरकार के हाथ में है ही, क्योंकि बेचारा किसान और किससे उम्मीद रखे, सरकार से ही तो उम्मीद रख सकती है ना। तो किस सरकार अशोक गहलोत में मोदी जी से हमारा यही कहना है कि बेचारे किसानों को कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा दे, जो इनके नुकसान हुआ है उसके लिए उसकी भरपाई करे। ये देखो किसान बेचारे कैसे खड़े हैं हमारे। ये किसान ये भी है हमारी भाभी, ये खेतों को देख देख के बहुत दुखी है बेचारे।